माय रूल्स। सो मैं एक शॉर्ट में स्टोरी जानना चाहता हूँ बेसिकली, दैट विल बी फाइन विद स्टोरी ऑफ योर्स। सो अगेन मूल समय ट्रांस मैन है जो एक लड़की के शरीर में पैदा हुआ था, एंड 6 से लेकर 10 तक उसने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की है, और आई एम स्कूल ड्रॉप आउट पर्सन, मैंने 11 12th नहीं की है जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्रेस कोड, क्योंकि मैंने 6 से लेकर 10 तक स्कर्ट और शर्ट पहनकर स्कूल गया था मैं, और गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है कि आपको सूट और सलवार पहन के जाना होता है, और मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि यार या तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा या फिर मैं कुछ मतलब मुझे नहीं, तो मैंने इसलिए ड्रॉप आउट कर दिया। तो मैंने अभी तक मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम जस्ट 10 पास आउट पास। जब आपकी एक एक एज आती है ना, जब आपकी प्यूबर्टी हिट करती है, आपके शरीर में चेंजेस हो रहे होते हैं, आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, आपका दिमाग चेंज होता है, अट्रैक्शन चेंज होता है, चीजें चेंज होती हैं, और गर्ल में लड़कियों के शरीर में क्या होता है कि आपके जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, तब आपका शरीर बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करता है। स्कूल में जब मुझे फर्स्ट टाइम पीरियड आया था, तो मेरी यू नो मेरे फ्रेंड ने बोला था कि मेघा एक स्पॉट है तेरे शर्ट मतलब स्कर्ट का, मैंने उस दिन वाइट ड्रेस पहनी थी, तो मैंने स्पॉट सुना देखा कि वो रेड कलर में था, तो मैं फेंट हो गया था ऑन द स्पॉट, क्योंकि मैं हमेशा उस चीज से डर रहा था कि बस यही नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरी शर्ट मेरी जो स्कर्ट थी वो चेंज की गई थी, मेरे उसको स्कूल में टीचर जो भी किया था, एंड उसके बाद फिर मैं और घुटने लग गया था अंदर, और एक डर होता है ना आपका कि यार पीरियड्स आ जाएंगे, सीएम में घूमने गए तो पीरियड्स आ जाएंगे, ना कुछ हुआ तो पीरियड्स आ जाएंगे, किसी को पता लग गया तो, किसी को पता लग गया मैं लड़की हूँ तो क्या होगा, तो वो सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी। एंड अगेन आई टोल्ड यू कि मैं सत्यमेव जयते सत्यमेव, उसके बाद फिर धीरे करके अपनी चीज़ें बताई, पापा को बताया, एंड वही पापा को बताया, तो इतना आसान नहीं था मेरे लिए पापा को बनाना, 1.5 साल लगे थे मुझे बनाने में पापा को, उस 1.5 साल में अगेन होम ग्राउंड होना, मोबाइल ले लेना, और एक दो बार पापा ने थप्पड़ मारा है, बट फाइनली एट द एंड ऑफ द डे पापा ने बोला कि चल ठीक है। थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड का दूंगा कि मेरी मॉम का डिवोर्स हो गया था जब मैं 10 साल का था, भाई 1 साल का था, तो मैं अपने फादर के साथ रहता था, तो फादर के ऊपर बहुत प्रेशर था क्या सोसाइटी का होता है ना, मतलब अगर कोई भी पेरेंट्स सेपरेट हो जाता है तो यार अच्छी पढ़ाई देनी है, अच्छे संस्कार देने हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स के ऊपर आया था कि आपकी बजाय आपने ठीक से यू नो परवरिश नहीं की, इसलिए बच्चा बिगड़ गया, और वो सब चीज़ें होती थी। बट यस 1.5 साल बाद पापा माने, एंड यस उसके बाद की जो मेरी जिंदगी थी वो कम्प्लीटली अलग थी, कि हर चेंजेस मैं इन्जॉय कर रहा था, मतलब मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि आई डोंट नो आपके लिए बीएड कितनी इंपॉर्टेंट है, बाकी के जितने लोग हैं उनके लिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो, एक लाइक यू नो कि यार हाँ सब उठना यू नो फेस पे देखना कि यार अच्छे बाल आ रहे हैं, इधर मुँह आ रही है, आवाज चेंज हो रही है, स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो रहा है, फोरहेड के यू नो पूरा फोरहेड चेंज हो रहा है, बॉडी अलग से रिएक्ट कर रही है, शरीर चेंज हो रहा है, तो मैं उस चीज को इंजॉय करता था। बेसिकली एक सक्सेस के पीछे जब आप जा रहे हो तो एक एक माइलस्टोन जैसे जैसे आप कवर कर रहे हो आप उसको एंजॉय कर रहे हो। हाँ एब्सोल्युटली। सो 2017 आपके लाइफ